हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और वो बीएससी नर्सिंग के लिए होगा, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसका जो एडमिट कार्ड है, अर्थात सीईटी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। काफ़ी बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और जो वेबसाइट पर डेट शो हो रही है वो डेट तो निकल चुकी है और एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो कब तक आएगा। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा फ्रेंड। तो अभी इसकी वेबसाइट पर अगर आप आओगे तो यहां पर देखोगे आपको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, बट यहां पर जितना सब कुछ पहले से ही जो दिया हुआ है वही सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा मैं आपको बता दूँ दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन आप यहां पर देखोगे कि लिखा है रिजल्ट कैन बी सीन ऑन द वेबसाइट, 7 से 10 दिनों एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम के बाद 7 से 10 दिन बाद आपका रिजल्ट घोषित होगा, और इसकी जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी दिसंबर के पहले वीक से होगी और 10 जनवरी तक चलेगी। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना लंबा प्रोसेस होगा। अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम और ज़्यादा लेट होगा तो और भी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए एग्ज़ाम तो ज़्यादा और लेट करेंगे नहीं ये लोग। तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जो है इसका वो 15 नवंबर का, कितना 15 नवंबर तक आ जाएगा। ये चीज़ आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 15 से 17 नवंबर के बीच में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो 15 तक तो आ ही जाएगा इसका एडमिट कार्ड। 100% नहीं कह सकते लेकिन 15 नवंबर तक आ जाएगा। तो एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो जाएगा, अगर 15 नवंबर तक आ जाएगा तो 20 नवंबर ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 20 नवंबर तक तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 22 नवंबर, इससे ज़्यादा आपका लेट नहीं होगा। जिस तो आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो 15 नवंबर तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और कोई सवाल है तो वो भी बता देना।